नेता असलम खान ने प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए ताल ठोकी है। इंदौर आए असलम शेर खान ने कांग्रेस के आलाकमान से मांग की है कि वे जल्द से जल्द मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का फैसला कर दे। वहीं असलम शेर खान ने यह भी कहा कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद की कमान संभालने के लिए वह भी तैयार है। असलम शेर खान ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को यह सलाह भी दी कि घुटन में रहने के बजाय वह अपनी बात खुलकर सामने रखें। बताना चाहेंगे कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता असलम शेर खान ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद पर अपनी दावेदारी जताई है। इंदौर आए असलम शेर खान ने मीडिया से चर्चा के दौरान कहा कि आलाकमान को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद पर जल्द से जल्द किसी की नियुक्ति कर देनी चाहिए। असलम शेर खान ने इस पद के लिए खुद को भी दावेदार माना है। असलम शेर खान ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी सलाह दी कि वह घुटन में रहने की वजह खुलकर अपने दिल की बात सबके सामने रखे। असलम खान ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को राज्यसभा भेजे जाने संबंधी चर्चाओं पर भी अपनी राय व्यक्त की। असलम खान का कहना है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को फिलहाल राज्यसभा में जाने के बजाय किसी पार्टी की अन्य जवाबदारी को निभा लेना चाहिए। यही है कि कांग्रेस की सत्ता है तो भागीदारी तो सभी कांग्रेस की हो गई, हमारी भी हो गई। लेकिन अभी जो हमने जो कमलनाथ जी को कहा था और इंदौर में कहा था और भोपाल में भी और अक्सर मीडिया और पब्लिक नरेटिव में मैंने बात रखी कि कमलनाथ एक सर्वमान्य नेता थे और वो गुटों से ऊपर थे और उन्हीं के अंडर उनकी लीडरशिप में सब यूनाइट हो सकते हैं। दिग्विजय सिंह जी, ज्योतिराज सिंधिया जी और भी दीगर बड़े नेता सब में, और मैं समझता हूँ कि वो मेरा जो सोच था टचवुड वो सही निकल गया, क्योंकि एक टीम बन गई और टीम ने बहुत मुश्किल था, अदरवाइज ये सोचना मुश्किल था कि बीजेपी को हरा पाएंगे मध्य प्रदेश में, लेकिन ऐसा हुआ। अब जहाँ तक रोल का सवाल है वो मुख्यमंत्री का अधिकार है, मुख्यमंत्री अगर जिस रोल में मुझे चाहेंगे मैं उस रोल में उनके लिए खड़ा हूँ, क्योंकि ये मेरा ड्रीम था कि सरकार कांग्रेस की आ जाए।